सो नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर चौहान स्वागत करता हूँ आप सभी का इस ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में ट्रेन संख्या 12521 के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा, जैसे कि ट्रेन की चलने की टाइमिंग क्या है, ट्रेन कौन से स्टॉप पे कितना समय के लिए ठहराव लेती है और किस क्लास में आप टिकट लेते हैं तो कितना किराया लगने वाला है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप जानकारी दूंगा। दोस्तों अगर आप किसी और ट्रेन के बारे में जानना चाहते हैं तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर बोलिएगा। दोस्तों इस ट्रेन की डिटेल्स की हम बात करें तो ये ट्रेन राप्ती सागर एक्सप्रेस ट्रेन है और ये ट्रेन बरौनी से गोरखपुर होते हुए ये ट्रेन चलाई जाती है चेन्नई के लिए। ये ट्रेन रात को 10:51 पे बरौनी जंक्शन से निकलती है और 10:50 पे ये ट्रेन आपको चेन्नई पहुंचाती है। ट्रेन सप्ताह में केवल एक दिन चलाई जाती है जो कि सोमवार को, और यात्रा के दौरान दोस्तों ये ट्रेन 60 स्टेशनों पे ठहराव लेती है। दोस्तों ये ट्रेन 3437 किलोमीटर की दूरी 47 घंटा 59 मिनट में तय करती है। दोस्तों इस ट्रेन में अगर हम कोचेस की बात करें, क्लास की बात करें, तो इस ट्रेन में आपको फर्स्ट एसी छोड़ के बाकी सारे कोच आपको उपलब्ध हैं। आप यहाँ पे 2 सीटिंग स्लीपर 3 टीयर 2 टीयर में टिकट ले सकते हैं और यात्रा कर सकते हैं। इस ट्रेन में अगर हम कोटा की बात करें तो आप जनरल, सीनियर सिटीजन, लेडीज इन सभी कोटा के तहत टिकट लेके यात्रा कर सकते हैं। दोस्तों इस ट्रेन में अगर हम किराए की बात करें तो अगर आप 2 सीटिंग जनरल में टिकट लेते हैं बरौनी से चेन्नई के लिए तो आपको लगेगा ₹570, स्लीपर में आपको लगेगा ₹920 और 3 टीयर में आपको ₹2380 का किराया लगने वाला है। इसके बाद अगर 2 टीयर की हम बात करें तो ₹3465 का किराया लगेगा। यहाँ पे दोस्तों इस ट्रेन के टोटल 60 स्टॉप दिए गए हैं और यहाँ पे मैं आपको सभी स्टेशनों की जानकारी दूंगा टाइम के साथ में। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इस ट्रेन के स्टॉप की डिटेल्स को। सो दोस्तों राप्ती सागर एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय बरौनी से रात को 10:51 पर रवाना होती है और यहां से निकलने के बाद ये ट्रेन समस्तीपुर जंक्शन पहुंचती है रात को 11:40 पर। ये ट्रेन यहां पे 5 मिनट ठहराव लेती है और फिर यहां से निकलने के बाद पहुंचती है मुजफ्फरनगर और यहां पे ट्रेन की टाइमिंग हो जाती है रात को 12:30। मुजफ्फरनगर से जब ट्रेन रवाना होती है तो इसका अगला स्टॉप आता है जहां ठहरा लेती है, हाजीपुर जंक्शन होता है और हाजीपुर में गाड़ी की टाइमिंग हो जाती है 1:26 और यहां पे ये ट्रेन 5 मिनट के लिए ठहराव लेने के बाद अपने सफ़र के लिए रवाना होती है। इस ट्रेन का 5 नंबर स्टॉप आता है दोस्तों सोनपुर जंक्शन और सोनपुर में गाड़ी की टाइमिंग हो जाती है 1:41 और यहाँ पे ट्रेन 2 मिनट ठहराव लेने के बाद फिर अपने सफ़र के लिए रवाना हो जाती है। पहुँचती है ट्रेन छपरा और छपरा में गाड़ी की टाइमिंग हो जाती है 3:05, यहाँ पे ये गाड़ी 5 मिनट ठहराव लेती है और फिर ट्रेन अपने अगले स्टॉप पे पहुँचती है सिवान और सिवान में गाड़ी की टाइमिंग होती है 4 बजे और यहाँ पे ट्रेन 5 मिनट ठहराव लेती है और 277 किलोमीटर की दूरी यहाँ तक ये ट्रेन तय की रहती है। तो दोस्तों जब ये ट्रेन सिवान से रवाना होती है तो पहुँचती है भटनी जंक्शन जो कि उत्तर प्रदेश में, और यहाँ पे ट्रेन 4:42 पर पहुँचती है, 2 मिनट ठहराव लेती है और फिर अपने सफ़र के लिए रवाना हो जाती है। इस ट्रेन का अगला स्टॉप आता है देवरिया सदर और गाड़ी की टाइमिंग हो जाती है 5:05 और यहाँ पे ये ट्रेन 2 मिनट ठहराव लेने के बाद फिर यहाँ से रवाना होती है। पहुँचती है ये ट्रेन गोरखपुर और गोरखपुर में ट्रेन की टाइमिंग हो जाती है 6:20 और यहाँ पे ट्रेन 15 मिनट के लिए ठहराव लेती है। तो दोस्तों इस ट्रेन में ज़्यादातर यात्री बरौनी से लेकर गोरखपुर तक के यात्री सफ़र करते हैं और यहाँ पर ये ट्रेन काफ़ी मात्रा में भरती है। यहाँ से जब ट्रेन रवाना होती है तो पहुँचती है खलीलाबाद और ट्रेन 7:13 पर खलीलाबाद में पहुँचाती है, 2 मिनट ठहराव लेती है और फिर यहाँ से रवाना हो जाती है। पहुँचती है ये ट्रेन बस्ती और बस्ती में गाड़ी की टाइमिंग हो जाती है 7:41, यहाँ पे ट्रेन 3 मिनट ठहराव लेती है और फिर यहाँ से अपने सफ़र के लिए रवाना होती है। इस ट्रेन का अगला स्टॉप आता है मनकापुर और गाड़ी पहुँचती है 8:26 पर, यहाँ पर 2 मिनट ठहराव लेती है और फिर यहाँ से अपने सफ़र के लिए निकलती है। इस गाड़ी का अगला 9:00 पहुंचती है और यहाँ पे ये ट्रेन 5 मिनट ठहराव लेती है, 550 किलोमीटर की दूरी बरौनी से गोंडा जंक्शन तक ये ट्रेन तय करती है। यहाँ से निकलने के बाद इस ट्रेन का अगला स्टॉप आता है बाराबंकी जंक्शन और ट्रेन 10:25 पर बाराबंकी जंक्शन आपको पहुँचाती है और यहाँ पर 2 मिनट ठहराव लेने के बाद फिर अपने सफ़र के लिए रवाना होती है। इस ट्रेन का अगला स्टॉप आता है बादशाह नगर जो कि लखनऊ में, और यहाँ पे ट्रेन की टाइमिंग हो जाती है 11:01 और ट्रेन 3 मिनट के लिए यहाँ पे ठहराव लेती है।
बादशाहनगर से जब ट्रेन रवाना होती है तो पहुंचती है ऐशबाग, जो कि लखनऊ में ही आता है, और गाड़ी यहाँ पे 11:40 पे पहुंचती है। ट्रेन यहाँ पे 10 मिनट ठहराव लेती है और फिर यहाँ से अपने सफ़र के लिए रवाना होती है। इस ट्रेन का अगला स्टॉप आता है दोस्तों उन्नाव जंक्शन, और गाड़ी 12:04 और यहाँ से ये ट्रेन रवाना होती है। 2 मिनट ठहराव लेने के बाद इस गाड़ी का अगला नंबर स्टॉप आता है कानपुर सेंट्रल, और गाड़ी 1:15 पे कानपुर सेंट्रल में पहुँचती है दिन में, और यहाँ पे ट्रेन 5 मिनट के लिए ठहराव लेती है और फिर यहाँ से सफ़र के लिए निकलती है। इस गाड़ी का दोस्तों 20 नंबर स्टॉप आता है पोखराया, और गाड़ी यहाँ पे पहुँचती है दिन में 2:13 और यहाँ पे ये ट्रेन 2 मिनट ठहराव लेने के बाद फिर यहाँ से रवाना हो जाती है। ये गाड़ी पहुँचती है अपने अगले स्टॉप पे उरई, और उरई में गाड़ी की टाइमिंग होती है दिन में 2:50 और यहाँ पे ट्रेन 2 मिनट ठहराव लेती है और फिर अपने सफ़र के लिए रवाना होती है। गाड़ी जब उरई से रवाना होती है तो पहुंचती है झांसी, और झांसी में गाड़ी की टाइमिंग हो जाती है शाम को 4:35, ट्रेन यहाँ पे 10 मिनट ठहराव लेती है, और झांसी तक ये ट्रेन 1054 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी होती है। यहाँ से निकलने के बाद इस ट्रेन का अगला स्टॉप आता है ललितपुर जंक्शन, और ट्रेन यहाँ पर पहुँचती है शाम को 5:48 पे, और यहाँ पर ट्रेन 2 मिनट ठहराव लेने के बाद अपने सफ़र के लिए रवाना हो जाती है। इस गाड़ी का अगला स्टॉप आता है ललितपुर के बाद भोपाल जंक्शन, और भोपाल जंक्शन में गाड़ी पहुंचती है 8:55 पे, और यहाँ पे ट्रेन 5 मिनट ठहराव लेती है और फिर अपने सफ़र के लिए यहाँ से निकलती है। इसके बाद दोस्तों इस ट्रेन का 25 नंबर स्टॉप आता है इटारसी जंक्शन, और इटारसी जंक्शन में गाड़ी की टाइमिंग हो जाती है रात को 10:40 और यहाँ पे ट्रेन 10 मिनट ठहराव लेती है, और इटारसी तक ये ट्रेन 1347 किलोमीटर की दूरी तय की रहती है। इटारसी के बाद इस ट्रेन का दोस्तों 26 नंबर स्टॉप आता है जो कि होता है घोड़ा डोगरी, और यहाँ पर ट्रेन रात को 11:50 पर पहुँचती है, 10 मिनट ठहराव लेती है और फिर यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद ये ट्रेन पहुंचती है दोस्तों बैतूल, और बैतूल में गाड़ी की टाइमिंग हो जाती है 1:08 और यहाँ पे ट्रेन 2 मिनट ठहराव लेती है और फिर यहाँ से अपने सफ़र के लिए रवाना हो जाती है। दोस्तों इस गाड़ी को इटारसी के बाद जब ये ट्रेन रवाना होती है तो इस ट्रेन का 3रा दिन स्टार्ट होता है, क्योंकि घोड़ा डोगरी गाड़ी की टाइमिंग होती है रात को 11:50 पे। ये ट्रेन अपने 3रे दिन में सफ़र करती है और पहुंचती है दोस्तों आमला जंक्शन, यहाँ पे गाड़ी 1:30 पे पहुंचती है, 2 मिनट ठहराव लेती है और 1477 किलोमीटर की दूरी तय की रहती है। यहाँ से निकलने के बाद इस ट्रेन का अगला स्टॉप आता है दोस्तों नागपुर, और नागपुर में दोस्तों गाड़ी की टाइमिंग हो जाती है 3:55, यहाँ पर ट्रेन 5 मिनट ठहराव लेने के बाद अपने सफ़र के लिए रवाना होती है, और नागपुर तक ये ट्रेन 1644 किलोमीटर की दूरी तय की रहती है। यहाँ से निकलने के बाद इस गाड़ी का अगला स्टॉप आता है दोस्तों सेवाग्राम, और गाड़ी 4:58 पे सेवाग्राम में पहुँचती है सुबह सुबह, और ट्रेन यहाँ पे 2 मिनट ठहराव लेती है और फिर यहाँ से अपने सफ़र के लिए निकल जाती है। इस गाड़ी का दोस्तों इसके बाद 31 नंबर स्टॉप आता है जो कि चंद्रपुर, और चंद्रपुर में गाड़ी सुबह 6:33 पे पहुँचती है, 2 मिनट ठहराव लेती है और यहाँ से निकलने के बाद इस गाड़ी का अगला स्टॉप आता है बल्लाहर हास, और गाड़ी पहुँचती है 7:40 पे, 5 मिनट यहाँ पे ठहराव लेती है और फिर यहाँ से ट्रेन अपने सफ़र के लिए निकल जाती है। ये गाड़ी पहुंचती है दोस्तों सिरपुर कागनगर, और यहाँ पे गाड़ी 8:39 पे पहुंचती है, 1 मिनट के लिए ठहराव लेती है और यहाँ से फिर ये ट्रेन अपने सफ़र के लिए निकलती है। बेल्लापल्ली ये गाड़ी पहुंचती है और इसकी टाइमिंग हो जाती है 8:59 और यहाँ पे ये ट्रेन 1 मिनट ठहराव लेती है, 1964 किलोमीटर की दूरी यहाँ तक। इस ट्रेन का स्टेशन आता है पंचेराल, और गाड़ी 9:15 पे पहुँचती है, 1 मिनट यहाँ पर भी ठहराव लेती है और फिर यहाँ से रवाना होती है। दोस्तों इस ट्रेन का 36 नंबर स्टॉप आता है राम डुमंग, और गाड़ी यहाँ पे 9:25 पे पहुँचती है, यहाँ पे भी 1 मिनट के लिए ठहराव लेती है और फिर यहाँ से सफ़र के लिए निकल। गाड़ी पहुँचती है अपने 37 नंबर स्टॉप पे जो कि होता है वारंगल, और गाड़ी यहाँ पे 11:18 पे पहुँचती है, 2 मिनट ठहराव लेती है और 2098 किलोमीटर की दूरी यहाँ तक ये ट्रेन तय करती है बरौनी से यहाँ तक का। इस ट्रेन का अगला स्टॉप आता है वो होता है खम्माम, और खम्माम में गाड़ी की टाइमिंग हो जाती है 12:44 दिन में, और यहाँ पे भी ट्रेन 1 मिनट के लिए ठहराव लेती है और फिर यहाँ से अपने सफ़र के लिए
रवाना हो जाती है। गाड़ी पहुंचती है अपने अगले स्टॉप पे 39 नंबर, जो कि होता है विजयवाड़ा जंक्शन, और गाड़ी यहाँ पे 3:20 पे विजयवाड़ा जंक्शन पहुंचाती है। यहाँ पे 10 मिनट ठहराव लेती है और फिर यहाँ से अपने सफ़र के लिए रवाना हो जाती है। इस ट्रेन का अगला स्टॉप आता है दोस्तों 40 नंबर, जो कि होता है चिराला, और चिराला में गाड़ी की टाइमिंग होती है शाम को 4:48 और यहाँ पर ट्रेन 2 मिनट ठहराव लेती है और 2394 किलोमीटर की दूरी। इसके बाद दोस्तों इस ट्रेन का अगला स्टॉप आता है जो होता है ओंगोल, और ओंगोल में गाड़ी की टाइमिंग हो जाती है शाम को 5:23, यहाँ पे ट्रेन 2 मिनट ठहराव लेती है और फिर यहाँ से अपने सफ़र के लिए रवाना होती है। गाड़ी पहुँचती है दोस्तों नेरलौर। इसके बाद दोस्तों ये गाड़ी पहुँचती है अपने अगले स्टॉप पर जो होता है नेरोल, और गाड़ी यहाँ पर शाम को 6:48 पे पहुंचती है और यहाँ पे 2 मिनट ठहराव लेती है और फिर यहाँ से अपने सफ़र के लिए। इस गाड़ी का दोस्तों अगला स्टॉप आता है गुडूर जंक्शन, और गाड़ी यहाँ पे पहुँचती है शाम को 7:58 पे और यहाँ पे ये ट्रेन 2 मिनट के लिए ठहराव लेती है और 2598 किलोमीटर की दूरी यहाँ तक ये ट्रेन। इसके बाद दोस्तों इस ट्रेन का अगला स्टॉप आता है MGR चेन्नई, और ट्रेन यहाँ पे 10:50 पे पहुँचती है और यहाँ पे ट्रेन 25 मिनट के लिए ठहराव लेती है और 2735 किलोमीटर की दूरी यहां तक ये ट्रेन तय की रहती है। बाद ये ट्रेन अपने अगले स्टॉप पे पहुंचती है 45 नंबर, जो कि होता है काठपड़ी जंक्शन, और यहां पे ये गाड़ी आपको पहुंचाती है 1:15 में रात को और यहां पे 5 मिनट ठहराव लेने के बाद अपने सफ़र के लिए रवाना। इस गाड़ी का अगला स्टॉप आता है जोलार पेट्टे, और गाड़ी यहाँ पे 2:23 पे पहुँचती है, रात में 2 मिनट ठहराव लेती है और फिर यहाँ से अपने सफ़र के लिए रवाना हो जाती है। पहुँचती है ट्रेन अपने अगले स्टॉप पे जो कि होता है सेलम जंक्शन, और गाड़ी यहाँ पे 3:52 पे पहुँचती है, यहाँ पर 3 मिनट ठहराव लेती है और फिर अपने सफ़र के लिए रवाना हो जाती है। गाड़ी अपने जो कि होता है ईरोड जंक्शन, और गाड़ी 4:55 पे पहुंचती है सुबह सुबह और यहाँ पे ट्रेन 5 मिनट ठहराव लेने के बाद अपने सफ़र के लिए रवाना हो जाती है। ट्रेन का दोस्तों अगला स्टॉप आता है तिरुपुर, और यहाँ पे ट्रेन 5:43 पे पहुंचती है, 2 मिनट ठहराव लेती है और फिर यहाँ से सफ़र के लिए रवाना होती है। ट्रेन का दोस्तों 50 नंबर स्टॉप आता है कोयम्बटूर जंक्शन, और यहाँ पे ये गाड़ी 6:47 पे पहुँचती है, यहाँ पे ट्रेन 3 मिनट ठहराव लेती है और 3231 किलोमीटर की दूरी ये ट्रेन तय करती है, जो कि ये ट्रेन अपने चौथे दिन में इस सफ़र को तय करते रहती है। यहाँ से निकलने के बाद ये ट्रेन पहुँचती है अपने 51 नंबर स्टॉप पे, जो कि होता है लार्ड कड़क्का जंक्शन, और यहाँ पे ट्रेन 7:55 पे पहुँचती है, ट्रेन यहाँ पे 5 मिनट ठहराव लेती है और फिर यहाँ से अपने सफ़र के लिए रवाना हो जाती है। अपने 52 नंबर स्टॉप पे ओटपल्लम, और यहाँ पे गाड़ी 8:24 पे पहुँचती है, 1 मिनट ठहराव लेती है और फिर यहाँ से अपने सफ़र के लिए रवाना हो जाती है। गाड़ी पहुँचती है अपने अगले स्टॉप पे। इसके बाद ये ट्रेन पहुँचती है अपने अगले नंबर स्टॉप पे, जो कि 53 नंबर होता है, और ये होता है वडकन चेरी। गाड़ी 9:01 पे पहुँचती है, 1 मिनट ठहराव लेती है और 3346 किलोमीटर की दूरी यहाँ तक ये ट्रेन तय की रहती है। यहाँ से निकलने के बाद इस ट्रेन का 54 नंबर स्टॉप आता है, जो कि होता है त्रिशूर, और यहाँ पे गाड़ी 9:20 पे पहुँचती है, 3 मिनट ठहराव लेती है और फिर यहाँ से अपने सफ़र के लिए रवाना हो जाती है। गाड़ी का अगला स्टॉप आता है दोस्तों इरिजाल कुंडा, और गाड़ी यहाँ पे 9:45 पे पहुँचती है, ट्रेन यहाँ पे 1 मिनट ठहराव लेती है और फिर अपने सफ़र के लिए यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ से रवाना होने के बाद गाड़ी अपने अगले स्टॉप पे ठहराव लेती है, जो कि होता है चालाकुड़ी, और ट्रेन यहाँ पे 9:53 पे पहुँचती है, ट्रेन यहाँ पे 1 मिनट ठहराव लेती है और फिर अपने सफ़र के लिए। ये ट्रेन यहाँ से निकलने के बाद पहुँचती है अंगमाली, और यहाँ पे ट्रेन 10:08 पे पहुँचती है, 1 मिनट ठहराव लेती है और फिर यहाँ से अपने सफ़र के लिए रवाना होती है। दोस्तों माफ़ कीजिएगा, स्टेशन के नाम कुछ इस प्रकार हैं कि पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। यहाँ से निकलने के बाद ये ट्रेन पहुँचती है 58 नंबर स्टॉप पे, और ये होता है आलुआ, और आलुआ में गाड़ी की टाइमिंग हो जाती है 10:20, यहाँ पे ट्रेन 2 मिनट ठहराव लेती है और फिर यहाँ से अपने सफ़र के लिए रवाना होती है। ये ट्रेन पहुँचती है 59 नंबर स्टॉप पे, जो कि होता है एर्नाकुलम टाउन, और यहाँ पे ये गाड़ी 10:42 पे पहुँचती है, 2 मिनट ठहराव लेती है और 3434 किलोमीटर की। तो दोस्तों ये ट्रेन जब एर्नाकुलम टाउन से रवाना होती है तो पहुंचती है अपने 60 नंबर स्टॉप पे, और ये होता है एर्नाकुलम जंक्शन, और फाइनली ये ट्रेन 11:30 पे ये ट्रेन आपको एर्नाकुलम जंक्शन पहुंचाती है,
अपने यात्रा के दौरान दोस्तों ये ट्रेन 40 घंटा 15 मिनट में अपने। तो दोस्तों जिस तरह से हमने आपको यहाँ पे ट्रेन संख्या 12521 के बारे में कंप्लीट जानकारी दिया है, अगर आप किसी और ट्रेन के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।